और जो आंख दो या तीन बता रहे हैं, हर आंख पावे के किसी किसी? नहीं जी, किसी किसी पर आती है, हर पनी आती है। गन्ने में चार जगह होगी, पांच जगह होगी, ऐसा हो जा। अच्छा, इस तरीके से? इस तरीके से हो जा। अच्छा, जैसा गन्ने के आपने जो गन्ने की बाजी बाजी आंख तो यहाँ पर भी फूट जाती है, बीच में भी। अच्छा, किसी किसी गन्ने में ऐसा भी देखा? ऐसा भी हुआ। अच्छा, देखा नहीं, बोया हमने जब देखा जी। हाँ, तो आप अपने बीज की पूरी गारंटी लो। पूरी गारंटी ले, 1600-1602 की। 1600-1602 है बिल्कुल पक्का। इसकी रिकवरी मिल वाले ले गए थे, रिकवरी भी निकलवाई, रिकवरी भी 1850 इसकी जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो मिल वाले देख के चले गए? मिल वाले देख के चले गए और खेत कहने लगे हम लेंगे इसको सारा ही, सारा का सारा। शामली मिल बोल रहा हम लेंगे, और थानाबोन मिल के सुपरवाइजर और वे आए थे जो है जीएम जी, वे भी नुकह रहे इसका बीज हम ले जाएंगे। अच्छा, तो किसानों को हम अपने आप देंगे, अपने आप देंगे। हाँ, तो ये तो ठीक है जी। तो ऊपर से जैसा मान लिया इसका रंग है? हाँ, इसका रंग जैसे 38 का रंग खाद डालते काला हो जा जी। इसका काला नहीं, तड़का पीला रहता है। अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब उतना जो है रंग नहीं लेता? इतना पूरा रंग नहीं लेता जितना हो जा के अलावा बादल से छा रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, तो कुछ पत्ती भी सीधी है इसकी, थोड़ी सी 38 के मुकाबले ऊपर को है सीधी थोड़ी, देखो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये जो जड़ फूट, ये जड़ फूट रही है ऊपर तक चढ़ जाती है, 3-4 पूरी तक। अच्छा, तो ये आंख भी छोटी, ये मतलब पोरी भी छोटी है? पोरी इसकी नीचे थोड़ी छोटी है, लेकिन लंबाई है पोरी की खूब। अच्छा, फिर लंबाई हो जाए? हाँ, देखो लंबाई है जी जी, और गिरे भी कम। अच्छा। हाँ जी जी। तो और पहचान बताओ आप? और पहचान ये है जो इनकी ये है, यहाँ सी आंख होती है जहाँ पे जी, यहाँ पेड़ापन है। अच्छा, ये। अच्छा, और जो हाथ पेरते हैं तो इसका रंग उतरता है, देखो। अच्छा, बैंगनी टाइप निकल जाए थोड़ा सा, हल्का हल्का। अच्छा, ऐसे हाथ फेरोगे? हाँ जी। जैसा ये पत्ती उतारेंगे? हाँ जी। तो यहाँ गांठ पे? हाँ जी, ये देखो ये घूम रही है ये। हाँ जी, ये पेड़ापन है जी जी। अच्छा। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज शामली के सिलावर गाँव में पहुंचे बबलू भाई है किसान जो सामने खड़े भाई, और बबलू भाई के खेत पे है भाइयों आज, और इन्होंने गन्ना वैरायटी लगा रखी भाइयों 1602। 1602 वैरायटी के बारे में सारी जानकारी लेंगे, जो किसान भाई को पता है इन्होंने कहाँ से ला के बो रखा और ये कैसी वैरायटी चल रही। और भाइयों पिछली वीडियो एक कलाल्टी गई थी सेंकी भाई की, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था उस वैरायटी के बारे में। किसान ने यू कह दिया कि यह वैरायटी तो 38 जैसी लगे, तो वो किसान की अपनी सोच हो सके। कुछ किसान भाई के ने ऐतराज कराया जी नहीं, या तो है नहीं, डुप्लीकेट है। तो भाई उसमें भी किसान भाई का मैंने नंबर भी डाल दिया था, मैं कहा भाई किसान से बात कर लो ये क्या कह रहे हैं अपनी वैरायटी के बारे में। तो भाइयों आज एक और यही वैरायटी की वीडियो लेकर आए, और इसमें आपको सारी जानकारी देंगे क्या क्या इसकी पहचान है, और किसान भाई ने कहाँ से ला के वो रखी, कितने बीघे में फिलहाल खड़ी, तो सारी कुछ इसकी डिटेल लेंगे भाइयों। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय करा दो जी एक बार। मैं अक्षय तरार, गाँव शिलावर, सनौप चंद्रपाल सिंह जी, वैसे बबलू भी कह दें गाँव में। हाँ जी, गाँव में बबलू भी कह दें जी। हाँ। तो ये 1602 वैरायटी है जी। जी, तो ये कहाँ से लाकर बोई जी? ये लखनऊ से 50 आंख मिली थी जी, और 50 आंख से ही मैंने ये तैयार किया खेत जी। पहले 3 फूट तैयार हुए जी, उसके बाद में 12 बीघा खेत तैयार हुआ। अच्छा। हाँ जी, तो इस साल जो है गन्ना पौधा 12 बीघा खड़ा? 12 बीघा है जी। अच्छा जी, तो ये कितने इंची पे बुआई है जी फिलहाल? ये 52 इंची पे बुआई है जी। अच्छा, ट्रेंच का है ये? ट्रेंच का है जी। हाँ जी, तो भाई साहब ये इधर इधर तो ये खूड 38 के? 38 के हैं जी बराबर में। ये बाहरी साइड में 38 लगा रखा? जी जी जी। अच्छा, ये कुछ बीज कम रह गया था इस वजह से लगा रखा। अच्छा, ये जो है 1602 अंदर कर दिया? अंदर की साइड है जी। ये 2 खूड़ियां हो गई? जी जी जी। तो भाई साहब अब आप जो है इस बीज की थोड़ी सी आप पहचान बताओ पहले तो, जो जो बीज की पहचान। इस बीज की पहचान ये है जी, ये कुछ तो मिलता जुलता है 38 से। अच्छा, इसके जो ये कान बोलते हैं इसके यहाँ रुआ है। अच्छा जी, और उसके बाद में इसमें 2-3 आंख हो जाती है। अच्छा, और नीचे जड़ भी फूटी हुई है इसकी, इसके ऊपर तक जड़ चढ़ जाती है फूट के, देखो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये जो जड़ फूट, ये जड़ फूट रही है ऊपर तक चढ़ जाती है, 3-4 पूरी तक। अच्छा, तो ये आंख भी छोटी, ये मतलब पोरी भी छोटी है? पोरी इसकी नीचे थोड़ी छोटी है, लेकिन लंबाई है पोरी की खूब। अच्छा, फिर लंबाई हो जाए? हाँ, देखो लंबाई है जी जी, और गिरे भी कम। अच्छा। हाँ जी जी, तो और पहचान बताओ आप? और पहचान ये है जो इनकी ये है, यहाँ सी आंख होती है जहाँ पे जी, यहाँ पेड़ापन है।
अच्छा, ये अच्छा, और जो हाथ फेरते हैं तो इसका रंग उतरता है, देखो बैंगनी टाइप निकल जाए थोड़ा सा हल्का हल्का। अच्छा ऐसे हाथ फेरोगे? हाँ जी। जैसा ये पत्ती उतारेंगे? हाँ जी। तो यहाँ गांठ पे? हाँ जी, ये देखो ये घूम रही है ये। हाँ जी, ये पेड़ापन है। जी जी। अच्छा, और जो आंख दो या तीन बता रहे हैं, हर आंख पावे के किसी किसी? नहीं जी, किसी किसी पे आती है, हर पनी आती है। गन्ने में चार जगह होगी, पांच जगह होगी, ऐसा हो जा। अच्छा, इस तरीके से? इस तरीके से हो जा। अच्छा, जैसा गन्ने के आपने जो गन्ने की बाजी बाजी आंख तो यहाँ पर भी फूट जाती है, बीच में भी। अच्छा, किसी किसी गन्ने में ऐसा भी देखा? ऐसा भी हुआ। अच्छा, देखा नहीं, बोया हमने जब देखा जी। हाँ, तो आप अपने बीज की पूरी गारंटी लो? पूरी गारंटी ले, 1602 की। 1602 है बिल्कुल पक्का। इसकी रिकवरी मेल वाले ले गए थे, रिकवरी भी निकलवाई, रिकवरी भी 1850 इसकी। जी अच्छा जी। हाँ जी, तो मील वाले देख के चले गए? मील वाले देख के चले गए और खेत नु कहने लगे हम लेंगे इसको सारा ही, सारा का सारा। शामली मील बोला हम लेंगे, और थनबोन मील के सुपरवाइजर और वे आए थे जो है जीएम जी, वे भी नु कह रहे इसका बीज हम ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो किसानों को हम अपने आप देंगे, अपने आप देंगे। हाँ, तो ये तो ठीक है जी। तो ऊपर से जैसा मान लिया इसका रंग है? हाँ, इसका रंग जैसे 38 का रंग खाद डालते काला हो जा, इसका काला नहीं हल्का पीला रहता है। अच्छा। हाँ अच्छा, मतलब उतना जो है रंग नहीं लेता? इतना पूरा रंग नहीं लेता जितना हो जा के अलावा बादल से छा रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, तो कुछ पत्ती भी सीधी है क्या इसकी? थोड़ी सी 38 के मुकाबले ऊपर को है सीधी, थोड़ी ऊपर को। हाँ, हल्की। अच्छा। हाँ हाँ, और अगर मान लिया दूर से इसको किसान देखे? हाँ, तो तब 38 चला गया? बिल्कुल नहीं दिखा जाना, तो 38 है तब ऐसा लगे, तब ऐसा लगे। हाँ, तो ये इसकी पहचान है जी। जी, तो भाई साहब रोग की क्या कंडीशन है जैसा आप दूसरा? रोग इसमें फंगस तो आवे जी। अच्छा। हाँ, फंगस आता है जी। हाँ, तो आपने जैसा इसमें बुआई करी और दवाई खाद किस तरीके से डाली? मैं बुआई में मैंने दड़िका बिगड़ डाई डाली थी जी, और जी सिरा साकी का कंचुबा स्प्रे करवा था जी। हाँ जी, उसके बाद में मैंने इसमें एक बार एनपीके डाला जी, दड़िका बिगा जी, और दड़िका बिगा यूरिया जी, ये खाद डाला। एक स्प्रे फंगस की और एक कीटनाशक की करी, दो स्प्रे, दो एक स्प्रे जी। हाँ, अब दूसरी की तैयारी है जी। हाँ, बरसात होगी ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये देखो भाइयों, ये इस तरीके से गन्ना चल रहा है और ये बहुत ही बड़ा खेत है। आ जाओ एक बार अंदर से भी दिखाते हैं गन्ना जी। ये दो तीन पहचान तो बता दी। हाँ जी, ये देखो जी, और 12 मार्च की बुआई है ये जी। हाँ जी। अच्छा, 12 मार्च की? 12 मार्च की बुआई है। तो ये तो बंधा हुआ रहा फिर? हाँ जी। हाँ, मैं जी सब बंधवा नहीं रहा जी, कोशिश यही रहेगी ना बंधवाऊ। अच्छा। हाँ, मिट्टी चढ़ा रखी। हाँ, कोशिश यही रहेगी ना बंधवाऊ। हाँ, वैसे तो ट्रंच का है। हाँ जी। हाँ, हाइट भी मेरे ख्याल से 8-9 फुट का करना हो रहा होगा। हाँ जी, इतना तो है, है जी? 8 के करीब तो हो रहा जी जी। हाँ, गोले से अलग, गोले से अलग। हाँ जी जी। हाँ, चलो आज और अंदर को दिखाऊंगे। ये देखो भाइयों, ये ट्रंच का खेत है भाइयों, ट्रंच की बुआई है। और ये गन्ने देखो, वैसे गन्ने की मोटाई भी ठीक हो जाए? गन्ने की मोटाई खूब है जी जी। हाँ, बढ़िया। और जैसे मान लिया आपने बीज बोया है, ये कट्टा था कुछ सोती वगैरह तो नहीं अंदर? नहीं जी, कुछ नहीं है कतई भी। अच्छा। हाँ जी, कुछ नहीं है बिल्कुल भी, गन्ना सॉलिड है? सॉलिड बिल्कुल, कोई रोग नहीं जी जी। 38 में तो गन्ना काटे, उसमें बीच में लाल भी आ जा, कहीं कहीं गन्ना काटे 38 है। हाँ, इसमें बिल्कुल सफेद है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। हाँ जी, तो भाइयों ये देखो, ये देखो जी, इधर से दिखाता हूँ मैं भाइयों, ये बंध नहीं रहा और ये ट्रंच की बुआई है। ये इस तरीके से गन्ना खड़ा भाइयों, ये देख लो जी, हाइट भी बहुत बढ़िया ले रहा, मार्च की बुआई है। और ये सारा गन्ना से बुआई कर रखी है जी? कंछुए से बुआई कर रखी। अच्छा। हाँ जी, इसकी दो आँख की, तीन तीन आँख की कंछी से बुआई कर रखी। अच्छा, इसकी कंछी से जी जी। तो ये देखो गन्ना वैसे बढ़िया ग्रोथ लेके चल रहा, इस बीज के बारे में और क्या आपको कैसा लगा? बीज ये 38 से ऊपर ही निकला था, उम्मीद दिया कर रहे जी। हाँ जी, नहीं फिलहाल तो बहुत ही बढ़िया चल रहा भाई, कोई रोग नहीं है फिलहाल तो। देखो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, टॉप बोरर वगैरह तो कुछ है नहीं फिलहाल? ना जी, टॉप बोरर नीज में फंगस की जरूर है शिकायत। अच्छा, फंगस की? हाँ जी। हाँ, तो वो तो जो आई होगी खत्म होगी? होगी। हाँ जी, खत्म ही हो रही है बस, एक स्प्रे करा था जी। हाँ जी, अब दोबारे की तैयारी है जी। हाँ, और ब्यांत भी वैसे ठीक है? ब्यांत ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखियो क्या गन्ने किस तरीके से हो रहे हैं, ब्यांत बहुत बढ़िया है जी। ये देखो भाइयों, एक का उसमें जो है ये होंगे जी, यहाँ से कंची है जी। हाँ जी, ये मेरे ख्याल से 6-7-8 गन्ने हो रहे होंगे। हाँ जी, हो रहे इतने पकने जी। जी जी, भाजी जगह ज्यादा भी है, कम भी हो जा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही, खेत है पूरा। देखो ये कंची में कितने हो रहे, देखो ये देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो भाइयों, बहुत ही नजाकत पर चल रहा गन्ना।
पत्तियां ऐसे नहीं उतार दे, क्यों इनकी आंखें खराब हो जाएगी? बुआई के नाम का ही है। अच्छा, बीज की वजह से? बीज की वजह से। अच्छा, पत्ती नहीं उतार रही? नहीं जी, नहीं। ये देख लो भाई, यहाँ पे भी जड़ चल रही है इसमें, ये देख लो। अरे एक बंधाई भी ऐसे करवानी पड़ेगी, इसकी पत्ती ना उतर के गिर जा। अच्छा, ट्रेंच की पत्ती उतर के गिर जा ऊपर से। अच्छा हाँ, जो ट्रेंच में खुले रखे हैं तो उसकी पत्ती उतरने लगा है जी। और जब बंधाई हो जाएगी उसकी पत्ती नहीं उतरने, फिर पत्ती नहीं उतरने। हाँ, तो यू बुआई में जाना, इसकी आँख खराब नहीं होने जी। तो देखो भाई, पत्ती उतरते ही जो है एक बंधाई जरूर गिर जा। ये गांठ पे पीले वाला निशान भी आवे इसके पत्ती उतरते ही, इस बीज की ये भी पहचान बता रहे किसान भाई। और ये जड़ है नीचे से पूरी छोटी होकर और बड़ी होकर चलती, बड़ी बड़ी पोरी है फिर ऊपर, और ये गन्ना इस तरीके से खड़ा भाइयों। तो भाइयों बाहर आ गए अब जा खूड में। हाँ जी भाई साहब, आप जो है ना, आप तो पूरी गारंटी ले रहे बीज? पूरी गारंटी है जी बीज की जी। हाँ जी, लखनऊ से लेकर आया? लखनऊ से आए थे 50 आंख जी। हाँ जी, तो उससे फिर 3.5 खूड तैयार हुए, फिर 12 बीघे खूब बोया गया इससे, उससे बाद में 12 बीघे बोया। तो आपने दो रिश्तेदार भी ले गए थोड़ा थोड़ा बीज, तो आपने 2-3 पहचान, आपकी जो 4 पहचान है मैं बताई थी बिल्कुल जी। तो भाइयों ये गन्ना जो है इस तरीके से खड़ा, 16202 वेरायटी है। और आज बबलू भाई का खेत दिखाया सिलावर गांव में, जो शामली जिला गांव है भाइयों। और जिस किसान भाई को शक हो, हाँ जी, जिस किसान भाई को शक हो आके देख सकते, आके देख लो जी। जी बिल्कुल, खेत पर विजिट करो भाई। हाँ, खेत पर आके देखो, जब पूरी जांच करके जब ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब पता लगे ऐसा नहीं लगता भाइयों, कभी कभी कुछ कमी रह जाए तो उसकी वजह से जो है अंदाजा गलत लगा ले। तो भाइयों ये बबलू भाई के खेत की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।